पंजाब के संगरूर में सोमवार को किसानों और पंजाब पुलिस की झड़प हुई थी, जिसमें एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। किसान 22 अगस्त को चंडीगढ़ में बुलाए गए प्रदर्शन को लेकर चंडीगढ़ जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने इनको रोका तो यहां लोंगोवाल में इनकी झड़प हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त लोंगोवाल में अभी भी जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं। लोंगोवाल का जो पुलिस स्टेशन है संगरूर का, उसके बाहर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस भी यहाँ पर लगाई गई है। ये रास्ता बंद कर दिया गया है, इन लोगों को चंडीगढ़ जाना था, लेकिन सोमवार को जब ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चंडीगढ़ की तरफ जाना चाह रहे थे, तब पुलिस से झड़प हुई। हमारे साथ दिलबाग जी हैं, किसान नेता हैं। दिलबाग जी, जो घटना हुई बड़ी दर्दनाक थी, आपका एक किसान साथी भी चला गया, इसमें गलती किसकी मानते हैं आप? देखिए, हम अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में कूच करना चाहते थे, लेकिन जहां संगरूर जिले के प्रशासन ने हमारे साथ धक्केशाही की, जबरदस्ती की, लाठीचार्ज किया, बेकरकी से हमारे किसानों को कूटा गया, हमारी माताओं बहनों को कुत्तों खींच कर कूटा गया। यानी इसमें हमारे एक बंदे की मौत हुई और दर्जनों बंदे फटड़ हुए हैं। हमारे व्हीकल बन दिए गए, पुतने बसों बनी है, अनेकों व्हीकल हमारे। लेकिन पुलिस कह रही है कि आप लोग रैश ड्राइविंग करके जबरन आगे ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे, उसी में वो व्यक्ति जो था आपका किसान साथी वो नीचे आ गया, टायरों के कुचल गया। नहीं, वो जो पुलिस सरासर झूठ बोल रही है, जो हमारे साथ धक्केशाही किया, हमारे खड़ों पर लाठीचार्ज किया गया है, हमारे को किसान अपने भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धक्के मार मार कर वो व्हीकल के नीचे दिया गया है। इसलिए हमारे पुलिस अधिकारी दोषी हैं उसकी मौत के। उन्होंने हमारे साथी को बस के नीचे दिया है, वो जिम्मेवार है, उस पर कत्ल की कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि हमारे किसानों को जितने पंजाब में गिरफ्तार किए हैं तुरंत रिहा किया जाए, और केंद्र से मांग कर रहे हैं कि हमारे हड़ बर्बाद सूबों के लिए 50,000 करोड़ रुपए राशि रिलीज की जाए, ताकि हम अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकें। चंडीगढ़ जाने की जो आपने कॉल दी थी, चंडीगढ़ जाने का प्रयास कर रहे हैं, चंडीगढ़ जाने का प्रोग्राम रहेगा या आज यहीं धरना देंगे? देखिए, सरकार ने हमको चंडीगढ़ जाने के लिए जबरदस्ती की है, नहीं जाने दिया। सरकार तकड़ी है, हम संघर्ष करने वाले लोग हार कभी नहीं मानते। हम जो इस जहाँ चल रहा है, जहाँ से भी वहीं मांग करेंगे, जहाँ संघर्ष चलेगा, सभी जथेबंदियाँ जहाँ पहुँचेंगी, हमारा लंबा संघर्ष जहाँ चलेगा। अभी कितने किसान नेता आपके जो हैं, आपके साथी, उनको हिरासत में रखा हुआ पुलिस ने? देखिए, पंजाब में तो ये है अभी तकरीबन 50 के लगभग हमारे जो किसान नेता हैं बख बख थानों में बंद हैं, और साढ़े संगरूर में 24 किसान हैं साढ़े जो बख बख थानों में बंद किए हुए हैं। जो किसान जिनकी मौत हो गई है, उनके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग है कि जो हमारे किसान की मौत हुई है, उनके परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, और जो गंभीर फट्टड़ हैं उनके लिए 5 लाख रुपया दिया जाए, जो फट्टड़ हैं उनके लिए 1 लाख रुपया दिया जाए, जो हमारे व्हीकल टूटे हैं उनकी भरपाई की जाए। ये हमारी मांगे हैं, और हमारे किसान रिहा किए जाए। तो किसानों को रिहा किया जाए, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ संगरूर के लोंगोवाल में ऐसे ही प्रदर्शन चल रहा है। तमाम ये किसान नेता, कुछ महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ सड़क पर ही बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो इनके किसान साथी, जिनकी दर्दनाक तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से, कुचलने से मौत हो गई है, उनको मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो बाढ़ से फसलें खराब हुई हैं, उसके मुआवजे की मुख्य मांग है, जिसको लेकर ये लोग चंडीगढ़ जाना चाहते थे, चंडीगढ़ नहीं जाने दिया जा रहा। तो उसके बाद संगरूर के लोंगोवाल में ऐसे ही सड़क पर बैठकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार से जल्द अपनी मांगों पर विचार करने की अपील भी कर रहे हैं। संगरूर के लोंगोवाल से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।